Hello students, today we will see a very important geometry trick on the right angle triangle and it will be applicable in many more questions. See what the trick is. In a right angle triangle, okay, right angle triangle is a triangle in which one angle is 90 degrees, jisme ek angle kitne ka hota hai 90 degree ka. Right angle triangle mein jo ortho center, ऑर्थो सेंटर लंब के अंदर ये होता है वहां जहां पे 90 डिग्री का एंगल सबटेंड होता है. मान लो ट्रायंगल ए बी और सी है तो इसका ऑर्थो सेंटर कहां होगा? यहां जहां पे राइट एंगल ट्रायंगल है. और इस ट्रायंगल का सर्कुम सेंटर कहां होगा? आईपोडन्यूज के मिड पॉइंट पे. आईपोडन्यूज कौन सी जो सबसे लंबी साइड होती है, तो इसका सर्कम सेंटर होगा आईपोडन्यूज के मिड पॉइंट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ जाता है कि ऑर्थो सेंटर हमेशा जहां पे 90 डिग्री का एंगल होता है यहां होगा और सर्कम सेंटर आईपोडन्यूज के मिड पॉइंट पे. सर्कम सेंटर क्या होता है? एक ऐसे सर्कल का सेंटर जो वर्टिसिस से पास करता है. जो क्या करता है भाई? वर्टिसिस से पास करता है. तो इसका सर्कम सेंटर कहां होगा? यहां हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे. ध्यान से देखिए, अब ये भी रेडियस बन जाएगी. फॉर एग्जांपल ये हुआ, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस. ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी. यहीं से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है. क्या रिजल्ट है वो? अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड हमेशा क्या होंगे? इक्वल. और इसका कन्वर्स भी ट्रू है. फॉर एग्जांपल कन्वर्स क्या कहता है? अगर कहीं भी आपको ये तीनों इक्वल दिखाई दे जाएं, कहीं भी आपको ये तीनों इक्वल दिखाई दे जाए तो ये एंगल कितने का होगा? 90 का. देखिए एक ऐसा डायग्राम बना, मैंने बोला भाई एक कोई ए बी और सी है, ये डी है. मैंने कहा बी डी, बी सी और ए डी क्या है? बराबर है. तो अब एंगल की वैल्यू बताइए बी ए सी. अभी बताया मैंने जैसे ये अगर 90 डिग्री का है तो ये तीनों क्या होंगे? बराबर. लेकिन कहीं भी आपको ये तीनों बराबर दिखाई दे जाए तो ये एंगल कितने का हो जाएगा? 90 डिग्री. कितने का भाई? 90 डिग्री. आने वाले क्वेश्चनों में इसकी एप्लीकेशन देखेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर कहां होता है? जहां पे 90 डिग्री का एंगल होता है. और सर्कम सेंटर कहां होता है? हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे. इस पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि आप कोई राइट एंगल ट्रायंगल है उसके ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच में डिस्टेंस बताइए. ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के हमें पता है तो सेंटर कहां लाई करेगा? राइट एंगल पे. और सर्कम सेंटर कहां लाई करेगा? हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे. तो इनके बीच की दूरी कौन सी है? यही वाली तो डिस्टेंस है इनके बीच में. ये किसके बराबर है? आर. तो इनके बीच की डिस्टेंस होती है वो हमेशा सर्कम रेडियस के बराबर होती है. सर्कम रेडियस क्या होगा? हाइपोटेन्यूज का हाफ, जो भी हाइपोटेन्यूज है. फॉर एग्जाम्पल को ट्राइंगल दे दी 6, 8 और 10. मैंने क्वेश्चन बोला कि इसमें आपको ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच की दूरी निकालनी है. इसका हाइपोटेन्यूज कितना? 10. डायरेक्ट इसका हाफ कर दो. यही है ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच की डिस्टेंस. नाउ सी दिस क्वेश्चन. इन ए ट्राइंगल ए बी सी इफ ए जी इज इक्वल टू बी सी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल बी जी सी वेयर जी इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल सी. I am drawing the triangle A B C. G is the centroid. Centroid is the point of intersection of the medians. G is the centroid. Okay, this is G. It is given that AG is equal to BC. Centroid के बारे में पता होना चाहिए. Centroid है वो median को. मान लो ये मीडियन है AD, मिड ए जी रेशो जी डी वो मीडियन को 2:1 में काटता है
ऊपर वाला पार्ट टू और नीचे वाला वन। तो अज्यूम कर लेते हैं कि ए जी, लेट्स अज्यूम ए जी एनी वैल्यू, ए जी इज 20। इफ दिस इज 20, दिस विल बिकम 10, दिस विल बिकम 10 बिकॉज 2 इज टू 1। फोकस ऑन दिस, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल बी जी सी एंड इट इज गिवन ए जी इज इक्वल टू बी सी। इफ दिस इज 20, दिस इज ऑल्सो 20, बट मीडियन डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन टू इक्वल पार्ट्स। दिस इज 20, दिस इज 10 एंड दिस इज 10। और अभी हमने सीखा था कहीं भी ये तीनों पार्ट तीनों इक्वल हैं, 10, 10, 10, तीनों इक्वल होंगे तो ये वाला एंगल कितने का होगा, ये वाला एंगल हमेशा कितने का होगा 90 डिग्री। तो एंगल बी जी सी कितने का होगा 90 डिग्री का। आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे, यहां तक निकाला हमने 10 10, इसको सेंटर मान लेते हैं किसी भी सर्कल का। तो ये रेडियस और ये रेडियस, तो क्या ये सेमी सर्कल बन जाएगा। और हमें पता है एंगल इन सेमी सर्कल कितना होता है 90 डिग्री। तो एंगल बी जी सी बाय दिस मेथड आल्सो इज 90 डिग्री। नाउ सी वन मोर क्वेश्चन ऑन द कंसेप्ट, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए सी बी, मीन्स ए सी बी दिस एंगल सी, दिस इज अ पॉइंट, दिस पॉइंट लेट्स अज्यूम ओ, ओ ए एंड ओ सी आर द टेंजेंट एंड वी नो टेंजेंट आर ऑलवेज इक्वल फ्रॉम ए पॉइंट सेम एयर। ओ बी एंड ओ सी आर द टेंजेंट टू दिस सर्कल, तो आई कैन से ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, बाय दिस आई कैन से ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, मीन्स दिस दिस एंड दिस ऑल थ्री आर इक्वल। इफ ऑल द थ्री आर इक्वल दिस एंगल इज 90 डिग्री। मैनी मोर क्वेश्चन आर देयर बट यू हैव टू कीप ओनली वन थिंग इन माइंड, इफ this this and this all three are equal this angle is always 90 degree, or if this is angle is 90 degree and this is the center this all three are equal. Thank you. For more trick like this you can WhatsApp on our number 9728435595 or visit our website www.competitionking.in और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और इसमें एक बेल सी लगी होगी उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए ताकि जो भी नया वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।